इंडियन से मिले किसी कभी हम तो किसी इंडियन से मिले? सही, वहाँ पर तो इंडियन कम्युनिटी ज़्यादा ही है। आप बहुत सारे इंडियन से मिले, पहली दफा मिले, कैसा फील हुआ, क्या सीखा, क्या रिएक्शन था, और कैसा समझते थे और कैसा पाया? एक फ्रेश स्टार्ट लगता है, माइंड रिफ्रेश हो जाता है। जब मैं पाकिस्तान में था तो इंडिया के बारे में ही सोचता था, और अभी मिला ही नहीं, करना यही जुमले से शुरू करूँ। जब हम पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं, चाहे वो इंडियन हो पाकिस्तानी, तो बाहर जाते हैं तो हमें एक अपनायत सी आपस में देखने से अपनायत सी लगती है। हम दोबारा करते हैं इसके साथ अपना ही होती है। चलिए, जब हम पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाते हैं, तो चाहे वो इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, आपस में हम एक दूसरे को जब मिलते हैं तो बड़ा अपनाई से आपस में एक दूसरे का महसूस करते हैं कि ये तो अपने लोग हैं, अपने जैसे हैं। और मतलब शुरू में थोड़ी सी अगर आइस ब्रेकिंग नहीं होती, जब आइस ब्रेकिंग हो जाती है, सलाम हो जाती है, हेलो हाय हो जाती है, तो पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। जो इस तरह से हम रहते हैं भी वैसे रहते हैं, 19-20 फर्क है, लेकिन सारी बातें, सारी आदतें, सब रहन सहन तकरीबन हमारा सेम ही होता है। तो ऐसे ही जो हमारे दिमाग में क्रिएट होते हैं, ये जो फलाना होते हैं, इनको हाथ भी लगाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और कुछ कह देंगे तो पता नहीं जंग छिड़ जाएगी, तो ऐसे कोई मामला नहीं होते। बहुत ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है। बल्कि बाहर जाके तो हम लोग एक लेवल लग जाते हैं कि ये लोग देसी हैं, ये ब्राउन पीपल हैं। वहाँ पे ये आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जाती है कि ये पाकिस्तानी और इंडियन है। ये तब होता है जब हम अपने कंट्रीज में वापस आ जाते हैं, मतलब न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो फिर ये हो जाता है कि ये पाकिस्तानी इंडियन और इंडियन है, और सामने वाले दूसरे वाले कंट्री को मारेंगे। तो ये यहीं पर होता है, और ये सारा मेरे लिहाज से जो है वो ब्रेन वॉशिंग होती है। तो आप बाहर निकलते तो आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आता, आपको उनके बच्चे और अपने बच्चे एक जैसे लगते हैं, आपको उतना प्यार जितना अपने बच्चों पर दूसरे बच्चों को भी आएगा। तो आप उस बहिष्कृत इंसान होने के देख रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें कल्चरली तौर पर बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इतना डिफरेंस वहाँ पर महसूस नहीं होता। और बाहर सब एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे होते हैं, रह रहे होते हैं कि कम्युनिटी में रह रहे होते हैं, एक साथ घूम फिर भी रहे होते हैं, गैदरिंग्स भी होती हैं, सब कुछ होते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो उसमें किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं आता। ये डिफरेंस जब आता है, जब हम अपनी कंट्रीज में आते हैं, बाउंड्रीज और सब चीज़ें, फिर वो एक सवाल बन जाता है।